मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस इतनी जल्दी नहीं मांगती है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले के ऊपर है भाई, क्लच दबा के मत चलाओ गाड़ी में, क्लच के ऊपर पैर रख के मत चलाओ, झटके मत दो गाड़ी में, गड्ढे आप रोड आपको देख के चलाओ खुद, आपको लग रहा है रोड खराब है तो भाड़ा कैंसिल कर दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय करवाएंगे। भाई एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके, सजेशन लेके, क्या सही है क्या गलत है। तो भाई बने रहे वीडियो के अंदर और पूरा वीडियो जरूर देखें बिना स्किप किए हुए और बिना आगे बढ़ाए, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं ताकि मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को सजेशन देने का एक जोश जगह भाई, ठीक है। आप लोग भाई सब्सक्राइब भी कर जाओ और कमेंट करना ना भूले। आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके उनके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बने रहे हैं व्लॉग के अंदर और देते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आ गए हम अपनी जीतो के अंदर, और मतलब जीतो ऑफिस ही समझ लीजिए भाई, अपना केबिन ऑफिस है ये, और यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे पहला कमेंट का रिप्लाई। और भाई हमारे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं दुर्गा लाल भाई करके हैं, रिप्लाई देने के लिए धन्यवाद भाई जान। अतुल थ्री विला ले तो लिया है लेकिन यहाँ BS6 है, इसके पार्ट नहीं मिलते हैं और बार बार यहाँ प्रॉब्लम करता है, लॉन्ग रूट जाता लॉन्ग रूट जा नहीं पाता हूं, बाहर के मिस्त्री इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कंपनी में लेकर जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। मेरे इधर काम की लाइन भी ठीक ठीक है, मेरा मन फोर व्हीलर लेने का कर रहा है, तो टाटा लू या जीतो प्लीज रिप्लाई, यहां चलाने में कंफर्टेबल नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं इससे। दुर्गालाल भाई आप बहुत मतलब डीप जानकारी दे रहे हैं, मतलब कमेंट के अंदर भी भाई के एक एक बात आपने उन हमारे सब्सक्राइबर को भी काम आएगी वो चीज, काफी बढ़िया बात बताई आपने। ये तो मुझे जानकारी नहीं थी कि बाहर लोगों को इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं और बाहर के मैकेनिक BS6 गाड़ी के बारे में जानते नहीं है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है नहीं जानते होंगे, क्योंकि भाई जैसे अभी मान लो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी जो HF डिलक्स आई है और स्प्लेंडर आई है, जो पल्सर आई है, जो नई नई भाई इनको BS6 कर दिया गया ना, इसमें हमारे इधर के लोकल मैकेनिक भी है ना बहुत काफी उलझ गए थे, काफी टाइम तक उलझे रहे, उसके बाद अब कुछ लोग इसमें हाथ डालना शुरू कर दिए, तो ये भी भाई इसी तरीके का मामला है। BS6 गाड़ी काफी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, काफी अपडेट हो चुकी है, तो इसमें काफी प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ आप अतुल से ही नहीं, आप अल्फा से ही नहीं, आप जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, जी तो है, टाटा मैजिक है, टाटा इंट्रा है और टाटा सुप्रो है, ये सब चीजें वही हो चुकी है मेरे भाई BS6। तो इसके मैकेनिक की तो आप कहेंगे कि भाई कंपनी में ही काम होगा इनका, मेरी तो हमेशा यही राय रहेगी कि काम कराओ तो कंपनी में कराओ, अगर आपको गाड़ी को सही रखना है, अच्छा चलाना है, मेंटेनेंस रखना है, तो भाई हर किसी मैकेनिक से हाथ ना लगवाना। आपको अगर ट्रस्ट है किसी मैकेनिक के ऊपर कि भाई ये काम सही कर देगा, ये काम अपना अच्छा कर देगा, तो ही आप उस पे बंदे पे ट्रस्ट करके ये काम गाड़ी में कराना, वरना भाई मैं यही कहूंगा आपसे कि गाड़ी में काम मत कराइएगा कहीं बाहर भी। अगर कंपनी में थोड़े पैसे तो नहीं लगते लेकिन काफी लगते हैं, तो भाई अगर वो पैसा लग रहा है तो भाई कंपनी में ही काम कराइएगा, क्योंकि BS6 गाड़ी है। BS6 गाड़ी कोई सी भी लोगे आप, तो भाई कम से कम एक साल या पूरी सर्विसिंग या एक साल जो भी काम आप मार्केट में, जब तक उसका सामान नहीं आ जाता जब तक आपको काम उसका कराना ही पड़ेगा। जीतो है, जीतो मैंने भाई नया जब लिया था ना, तो भाई कम से कम 2015 मॉडल जीतो भी था लाल वाला मेरे पास, ये जो है 17 भी है, तो ये तक मैंने सर्विस काम बहुत सारा काम काफी टाइम तक 2019 तक भी मैंने मार्केट में काम नहीं कराया जीतो का, भाई काफी खर्चा आया करता था, दिमाग खराब हो जाया करता था, लेकिन अब क्या है इसके मार्केट में पार्ट मिलने लग गए हैं, काफी चीजें मिलने लग गई हैं, तो इसलिए इसका मार्केट में काफी काम हो जाता है और मैकेनिक भी इस गाड़ी को काफी समझ गए, तो ये कहूंगा मैं आपसे भाई। अगर आप को कहीं कुछ और चीज दिक्कत आ रही है, जैसे उसमें कंजेस्टेड जो चीज है उसमें आपको दिक्कत है, लॉन्ग रूट के लिए तो गाड़ी है ही नहीं वो भाई, मैंने तो कहा है ना 3 व्हीलर गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए नहीं है। अगर आपको लोकल का काम करना है, जैसे मार्केटिंग का काम करना है, जैसे 50 किलोमीटर ऐसी चलना है टुकड़ों में, 50-100 किलोमीटर टुकड़ों में भी जाना है, क्या 10 किलोमीटर यहाँ चलेगा, 5 किलोमीटर यहाँ चलेगा, 15 किलोमीटर वहां चलेगा, इस हिसाब से अगर आपको जी वो
थ्री व्हीलर गाड़ी चलानी है तो लेना, नहीं तो लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी नहीं है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आप सोचो के चले जाओ, 100 किलोमीटर आप चले जाओ, या लॉन्ग रूट बिल्कुल 50 लॉन्ग रूट चले जाओ 50-60 किलोमीटर, उसमें भी आप थक जाओगे मेरा भाई, तो ये गाड़ी इसलिए नहीं है। और लेकिन आप कह रहे हो कि जीतो ले या टाटा मैजिक ले, तो या मैं कहूंगा सुप्रो भी बेस्ट गाड़ी है, अभी सुप्रो भी ले सकते हो आप। बाकी जीतो तो है ही, बाकी जीतो का मेंटेनेंस जरूर रहेगा, लेकिन एवरेज में राजा रहेगा। आपको जो अभी थ्री व्हीलर में एवरेज मिल रहा होगा 35 का 30 का, तो लेकिन ये कम से कम 25 का देगी। और अगर आपने टाटा मैजिक ले लिया तो आपको 18 का एवरेज मिलेगा, सुप्रो भी आपने ले लिया तो 18 से 20 का एवरेज मिलेगा, एवरेज में आपको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई आप जीतो ले लीजिए, काफी बढ़िया आया हुआ है जीतो स्ट्रॉन्ग भी भाई। लेकिन मेंटेनेंस की बात कहूँ तो मेंटेनेंस इतनी जल्दी नहीं मांगती है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले के ऊपर है भाई, क्लच दबा के मत चलाओ गाड़ी में, क्लच के ऊपर पैर रख के मत चलाओ, झटके मत दो गाड़ी में, गड्ढे आप रोड आपको देख के चलाओ, खुद आपको लग रहा है रोड खराब है तो भाड़ा कैंसिल कर दो, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना भाई दुर्गालाल भाई। तो ये आपका कमेंट का रिप्लाई है, आपको कैसा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है।